हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज ऑटो डायग्नोस्टिशियन। तो अभी इसमें मैंने मेमोरी कार्ड लगाया, इसका स्कैन प्लस का ये टैब है, तो उसमें कुछ लैक ऑफ इंटरनल स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए मेमोरी कार्ड लगाया है। तो और उसको मेमोरी कार्ड लगाने के बाद जो सेटिंग करना पड़ता है वो इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये देखना है कि मेमोरी कार्ड कैसे लगाते हैं तो आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आपको ये दिखा देता हूं मैं, पहले स्कैन प्लस जो ऐप है वो खोलने का कुछ इस तरीके से आता है। इसको भी हम स्कैन प्लस एक्स में चेंज करेंगे, स्कैन प्लस से स्कैन प्लस एक्स में, तो उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसको क्लोज करते हैं और आपको सेटिंग ओपन करके दिखाते हैं। तो आप सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरनल स्टोरेज है 16 GB में से 14.67 GB ऑलमोस्ट स्टोर हो चुका है, और ये ऑलमोस्ट 16 GB फुल हो चुका था। हमने कुछ डिलीट किया है जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर था, अनवांटेड ब्रांड का सॉफ्टवेयर था, तो उसके हिसाब से, बट अभी भी इसमें लैक ऑफ स्टोरेज का प्रॉब्लम होगा। उसके लिए हमने यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा दिया है 32 GB का, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी ये खाली है। अब इसको कुछ सेटिंग करेंगे तब जाके ये जो जितना भी डाउनलोड होगा इसमें आपको सॉफ्टवेयर, वो सारा मेमोरी कार्ड में जाएगा, ना कि इंटरनल स्टोरेज में। इंटरनल स्टोरेज में केवल इस टैब का जो एंड्रॉयड सिस्टम रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो उसको सेटिंग कैसे करते हैं वो आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले इसको एक बार क्लोज करते हैं, फिर सेटिंग पर क्लिक करते हैं, फिर आपको यहाँ पर स्टोरेज पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर SD कार्ड पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर जो तीन डॉट है आपको यहाँ देखिए, ये जो तीन डॉट दिख रहा है आपको ऊपर में राइट साइड में यानी दाहिने तरफ, तो वो तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर जो थर्ड ऑप्शन है स्टोरेज सेटिंग, वहाँ पे क्लिक करना है। तो स्टोरेज सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखिए आप फॉर्मेट है, और दूसरा है फॉर्मेट एज इंटरनल, तो आपको फॉर्मेट एज इंटरनल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कंडीशन दे रहा है ये कि अगर आप इसको फॉर्मेट एज इंटरनल करेंगे तो मेमोरी फॉर्मेट हो जाएगा और जो भी डेटा इस पर डाउनलोड होगा वो क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद इसमें ये मेमोरी कार्ड केवल इसी स्कैनर में यानी इसी टैब में काम करेगा, ठीक है। और ये फॉर्मेट होने के बाद इसका बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनल स्टोरेज बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ से इरेज एंड फॉर्मेट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इरेज एंड फॉर्मेट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है उसको, तब तक हम पेशेंटली इसको देखना पड़ेगा। और ये जैसे ही 100% होगा उसके बाद दो चार और सेटिंग करने पड़ते हैं, जिससे हमें ये इंश्योर हो जाएगा कि अब आगे से जितने भी इसमें फाइल डाउनलोड होंगे वो ना कि इंटरनल स्टोरेज में स्टोर हो, ये स्टोरेज होगा आपको मेमोरी कार्ड में, इंटरनल स्टोरेज में नहीं स्टोर होगा। तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ मेमोरी कार्ड का डिलीट करेगा, और फिर डिलीट करने के बाद आपको एक फ्रेश मेमोरी कार्ड सेटिंग इंटरनल स्टोरेज के तौर पर कर देगा, जिससे आप हमेशा के लिए इस मेमोरी कार्ड को एज ए इंटरनल स्टोरेज यूज कर सकते हैं इस टैब में। यानी कि जो भी आप ऐप में डाउनलोड करेंगे वो सारा आपको मेमोरी कार्ड में जाएगा। तो ठीक है, अभी आगे आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन आ रहा है कि यू कैन मूव फोटोज, फाइल्स एंड ऐप्स टू द न्यू SD कार्ड, और मूव करने के लिए अगर आपको ये चाहिए तो 9 मिनट लगेगा और 5.13 GB डेटा है जो मूव हो जाएगा इंटरनल से SD कार्ड में। तो हम अभी मूव नाउ करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे मूव पे क्लिक कर देंगे। तो थोड़ा सा ये समय लेगा हमारा, और ये जितना भी डेटा है इसका एंड्रॉयड सिस्टम के अलावा इंटरनल स्टोरेज में जो डाउनलोड हुआ है वो सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा मेमोरी कार्ड में। और आगे आने वाले जितने भी डेटा डाउनलोड होंगे, यानी कि जो स्कैन प्लस में जो ऐप्स डाउनलोड होंगे या फिर कोई स्कैन प्लस एक्स में कोई ब्रांड का अपडेट आता है, महिंद्रा मारुति टाटा हुंडई होंडा का, तो सारा जो अपडेट है वो इंटरनल स्टोरेज में नहीं जाएगा, टैब के इंटरनल स्टोरेज में, वो जाएगा मेमोरी कार्ड में, जिससे कि आपके स्टोरेज का प्रॉब्लम कभी भी नहीं दिखाएगा जब तक ये 32 GB फुल नहीं हो जाए। और ये 32 GB एनफ है एक स्कैनर का अपडेट्स के लिए, क्योंकि आपको जब भी अपडेट आता है तो माइनर अपडेट्स आते रहते हैं, वो धीरे धीरे जाके एक बड़ा फाइल बनता है। तो इसमें 16 GB इंटरनल था, जिसमें आपको एंड्रॉयड का भी सिस्टम था इसका, उसका फिर जो भी ऐप डाउनलोड हो रहा था वो भी उसी इंटरनल स्टोरेज में जा रहा था, जिसकी वजह से उसका लैक ऑफ इंटरनल स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा था। दिखाएंगे तो दोस्तों, ये हमारा 100% जो मूविंग का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब जब इंटरनल स्टोरेज में से हमारा सब SD कार्ड में चला गया है, तो अब यहाँ पे SD कार्ड इज रेडी। अब यहाँ पे जाके हमें डन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो भी है इंटरनल स्टोरेज में आप केवल 9.53 यूज है 16 GB में से, और वो है केवल आपका ये जो आपका एंड्रॉयड का डिवाइस है, ये एंड्रॉयड का जो सिस्टम है उसका स्टोरेज है। बाकी SD कार्ड में जितना भी ऐप डाउनलोड हुआ था वो सारा SD कार्ड में ट्रांसफर हो गया है, और आगे से जितना भी ऐप डाउनलोड होगा, कोई भी चीज़ डाउनलोड होगा, वो हमेशा ये SD कार्ड में स्टोर होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 9.53 रहेगा और ये आपको 5.49 से बढ़ेगा। अभी हम डाउनलोड करते हैं कोई भी व्हीकल का,
डेटा और यहाँ से क्लियर करते हैं इसको और ये स्कैन प्लस पर क्लिक करते हैं। यहाँ जाते हैं थ्री लाइन पे, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते हैं। इसके लिए हमने इंटरनेट कनेक्ट रखा कनेक्ट करके रखा हुआ, देख सकते हैं आप इसका जो वाईफाई है ऑन है। अब यहाँ पे हम इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ये हमारा लॉगिन हो गया और ये इंटरनेट जितना फास्ट रहेगा उसके हिसाब से ओपन होगा आपका। और एक कोई एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करेंगे आपको दिखाएंगे, और जो हमारा इंटरनल स्टोरेज था उसमें वो डाउनलोड नहीं होगा, वो एसडी कार्ड में डाउनलोड होगा, वो आपको इसमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से अनसेलेक्ट करते हैं और एक हम कोई एक छोटा सा फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि हमारा जो ये डेमो का है अपडेट, इसको हमें क्लिक करते हैं और अपडेट पर क्लिक करते हैं। धीरे धीरे डाउनलोड हो रहा है हमारा, ओके किए डाउनलोड हो गया। अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और आपको वापस से सेटिंग में जाकर दिखाते हैं कि जो अभी हमारा डाउनलोड हुआ वो स्टोरेज कार्ड में ही गया होगा। देखिए अब यहाँ पे इनकी 4.49 से 5.50 हो गया और ये 9.53 ही है, यानी कि ये इंटरनल स्टोरेज में आप कुछ भी नहीं जाएगा, जो भी डाउनलोड होगा वो एसडी कार्ड में जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी मतलब लॉन्च के 431 प्रो या स्कैन प्लस या स्कैन प्लस एक्स का जो सीरीज है उसमें अगर इंटरनल स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। तो उसका मैंने दो पार्ट में वीडियो बनाया, वो पहला कि एक में मेमोरी कार्ड कैसे लगाते हैं, दूसरा में मेमोरी कार्ड लगाने के बाद उसको सेटिंग कैसे करना है ताकि हमारा जो भी डाउनलोड हो वो मेमोरी कार्ड के अंदर हो। तो आप दोनों वीडियो जाकर देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप फोन करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।